पता है ढोलक तो आप लोग देखे होंगे है ना, ढोलक को अगर तरीके से पीटो तो सुर निकलता है, और अगर बेतरतीब तरीके से पीटो, बेतरतीब का मतलब होता है बेढंगा, तो अगर बेतरतीब तरीके से पीटो तो शोर मचता है। इन द सेम वे अगर हम लोग अपनी बातों को तरीके से रखें तो प्रगीत बनता है, और अगर बेतरतीब तरीके से रखें तो शोर मचता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरह का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम ही है प्रगीत और समाज, जो कि एक निबंध है, और निबंध में भी एक आलोचनात्मक निबंध है। प्रगीत और समाज के ऊपर ये निबंध लिखा गया, आलोचनात्मक निबंध है। अब आप लोग आलोचना का मतलब समझते होंगे शिकायत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि आलोचना का मतलब होता है शिकायत करना, जबकि ऐसा नहीं है। आलोचना का मतलब होता है अच्छाई और बुराई दोनों बताना, क्या क्वालिटी है, क्या विशेषताएं हैं और क्या कमियां हैं, ये हर एक चीज़ बताना, मतलब दोनों बताना, विशेषताएं और कमियां दोनों बताना ही आलोचना कहलाता है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को समझना है, पढ़ना है कि प्रगीत क्या है, प्रगीत की विशेषताएँ क्या हैं और इसकी क्या कमियाँ हैं, प्रगीत का समाज पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है और समाज का प्रगीत पर किस तरह का दबाव देखने को मिल रहा है, प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है और कैसी रही, और हमारी साहित्यिक परंपरा में इसकी क्या अहमियत है, इन सभी बातों की पड़ताल इस चैप्टर के जो राइटर हैं नामवर सिंह इस चैप्टर में किए हैं, और इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल क्या रख दिया गया है, प्रगीत और समाज, यानी कि प्रगीत क्या है और इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है समाज पर, और समाज का दबाव प्रगीत पर कैसे पड़ता है, ये हर एक चीज़ आप लोग को इस चैप्टर में जानना है। ठीक, अगर आप लोग के पास बुक है तो आप इस चैप्टर को पढ़ कर देखिए, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, पता है क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में टिपिकल हिंदी के शब्दों का यूज़ किया गया है जिसका अर्थ शायद आप लोग को मालूम ही ना हो, और इसीलिए जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ ही में नहीं आएगा, पढ़ते जाएंगे अर्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट हम आ गए ना, अगर हम हैं तो फिर क्या गम है। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे, इतना अच्छा निचोड़ निकाल कर आसान तरीके से एकदम ईजी मेथड में पढ़ेंगे ना कि इस चैप्टर को पूरा कम्प्लीट कर लेने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में एक भी डाउट नहीं बचेगा, सारा डाउट 100% आउट हो जाने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में, और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम तो मैं आप लोग को बता दी, प्रगीत और समाज। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ हम लोग को समझनी और सीखनी है वो ये है कि आखिर प्रगीत किसे कहते हैं, और हाँ एक और बात, इस चैप्टर के जो राइटर हैं नामवर सिंह, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है नामवर सिंह से रिलेटेड, तो इनके बारे में जितना भी डिटेल्स आप लोगों के बुक में दिया गया है वो हर एक चीज़ में आप लोगों को समझा दूंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे। ठीक, तो चैप्टर को कम्प्लीट कर लेने के बाद मैं आप लोग को नामवर सिंह के बारे में जितना भी डिटेल्स दिया गया वो हर एक चीज़ बता दूंगी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रगीत किसे कहते हैं। प्रगीत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लिरिक्स, आप लोग सर्च भी किए होंगे, मतलब कई सारे गाना का लिरिक्स निकाले होंगे, जैसे कि मान लीजिए एक गाना उठा लीजिए मेरा रंग दे बसंती चोला, देशभक्ति गीत है ना, और आप अपने मोबाइल के किसी भी सर्च इंजन से, गूगल हो सकता है, क्रोम हो सकता है, उसे सर्च कीजिए, कोई भी सर्च इंजन होना चाहिए, उसे सर्च कीजिए मेरा रंग दे बसंती चोला लिरिक्स, क्या लिखा हुआ आता है। जब आप लोग सर्च करेंगे ना मेरा रंग दे बसंती चोला लिरिक्स, तो पता है क्या आएगा, उस गाना में जितना भी शब्द है वो सब लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि पूरा गाना लिखा हुआ आ जाएगा, उसी को तो कहा जाता है लिरिक्स और हिंदी में प्रगीत। प्रगीत वैसी कविताओं को कहते हैं जिसको गाया जा सके, गाने योग्य कविता क्या कहलाता है, प्रगीत कहलाता है। तो अब आप लोग कहेंगे अच्छा तो फिर बताइए तो गीत किसे कहते हैं, तो बताती हूँ, गीत वैसी कविताओं को कहते हैं जिसको गाया जा सके। अब मैं जानती हूँ आप लोग कौन सा सवाल करेंगे कि अच्छा तो फिर गीत और प्रगीत में अंतर ही क्या है, गीत वैसी कविता जिसको गाया जा सके, प्रगीत वैसी कविता जिसको गाया जा सके, दोनों एक ही है तो फिर इसमें अंतर क्या है। तो समझिए यहाँ पर माइनर सा अंतर है, एकदम छोटा सा अंतर समझना होगा आप लोगों को। गीत लंबा होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, और उसी को शॉर्ट कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, तो वो प्रगीत कहलाता है। ठीक, गीत का ही स्वरूप है, रूप है प्रगीत, गीत के आगे जब आप लोग प्र लगाते हैं ना, प्र उपसर्ग, तो प्रगीत बनता है, यानी कि गीत का ही एक रूप है प्रगीत, गीत को छोटा कर दीजिए तो वो प्रगीत कहलाता है, लेकिन है तो दोनों कविता ही ना। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा कविता के बारे में समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। देखिए कविता दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य, कविता का दो टाइप, एक
प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य वैसे काव्य, वैसी कविताओं को कहते हैं जो काव्य लिखने के नियम और कानून से बंधा हुआ है। मतलब जो काव्य लिखने के नियम और कानून होते हैं कि छंद रहना चाहिए, रस रहना चाहिए, मात्रा देखना पड़ता है, उसके बाद से सुर, ताल, राग वगैरह, मतलब कविता लिखने के जितने भी नियम कानून रहते हैं, बंदिश में बंद कर जब कविता लिखा जाता है सारा नियम को फॉलो करते हुए, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, तो उस कविता को रख दिया जाता है प्रबंध काव्य के अंतर्गत। यानी कि प्रबंध काव्य, वैसा कविता जो काव्य लिखने के नियम कानून से बंध कर, मतलब बंधित हो, उसको कहा जाता है प्रबंध काव्य। और मुक्तक काव्य इसके नाम से ही क्लियर है, जो सभी काव्य लिखने के नियम और कानून से मुक्त हो, फ्री हो, उसे कहा जाता है मुक्तक काव्य। ठीक है, जो भी छंद, रस, मात्रा वगैरह, सुर, राग, ताल वगैरह मिलाया जाता है ना, इसमें कोई भी नियम रू कोई भी बंदिश नहीं रहता है, एकदम मुक्त फ्री, उसको बोला जाता है मुक्तक काव्य। और मुक्तक काव्य के अंतर्गत ही आता है हम लोगों का प्रगीत। प्रगीत भी क्या है, मन की फीलिंग्स होती है, मन की भावना होती है प्रगीत के अंतर्गत, इसमें कोई बंदिश नहीं रहती है। अब यहाँ पर प्रगीत का सही डिफिनेशन देखिए, प्रगीत वैसी कविताओं को कहते हैं जो भाव आधारित होते हैं। प्रगीत वैसी कविताओं को कहते हैं जो भाव, मतलब मन की भाव, जो प्रगीत लिखने वाला है ना वो अंदर क्या फील कर रहा है ये कविता के अंदाज में लिख देता है, जिसमें नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक भाव की अभिव्यक्ति होती है। मतलब गहरी पर्सनल फीलिंग, जो भी प्रगीत लिखने वाला रहता है ना वो अपने अंदर क्या फील कर पा रहा है उसकी एक अपनी पर्सनल फीलिंग है। वो जो भी महसूस करता है अपने मन के अंदर, उसका जो भी मनोभाव है, जो भी वो अनुभव कर रहा है, जो भी फील कर पा रहा है, जो भी महसूस कर पा रहा है ना, वो लिख देता है कविता के अंदाज में। और जब उसको पढ़ा जाता है ना तो आत्मपरक भाव की अभिव्यक्ति होती है। मतलब जब उसको पढ़ा जाता है तो इंसान को मोटिवेशन मिलता है, अंदर से अपने आप में प्रेरणा मिलता है, तो उस लिखे हुए को बोला जाता है क्या, प्रगीत। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को प्रगीत समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना तो समझिए 80% चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया, 80% चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे जो आप लोगों को 20% में पढ़ना है ना वो यही पढ़ना है कि प्रगीत का समाज पर और समाज का प्रगीत पर किस तरह का दबाव और प्रभाव देखने को मिल रहा है। देखिए, अब आगे नामवर सिंह लिखे हैं कि कविता पर समाज का प्रभाव तीव्रता से देखा जा रहा है। तीव्रता यानी कि बहुत तेज़ी से। ठीक है, कविता पर समाज का जो दबाव है, प्रभाव है, वो बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है। कैसे, तो कविता पर समाज का दबाव कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है ना कि समाज के जितने भी लोग हैं अब वो धीरे धीरे मुक्तक काव्य को सुनना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मुक्तक काव्य मुक्त होता है। ठीक है, इसमें मन की फीलिंग्स डाली जाती है, आप मन में क्या अनुभव कर रहे हैं, मन की भाव को डाला जाता है। प्रगीत क्या है, जो राइटर लिखता है प्रगीत वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स डालता है। ठीक है, तो लोग जो है ना प्रगीत को ही ज़्यादा सुनना पसंद कर रहे हैं, और आजकल आप देख भी सकते हैं ज़्यादातर गाना ही निकल रहा है, नए नए सॉन्ग्स निकल रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं नामवर सिंह इस चैप्टर में कि जो प्रबंध काव्य है अब वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। अब पहले के ज़माने में जिस तरह प्रबंध काव्य लिखा जाता था, वाकई में नियम और कानून को फॉलो करते हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा जाता था, लेकिन अब प्रबंध काव्य के लिखने वाले जो कवि है उनकी संख्या में भी क्या हो रही है, कमी आ रही है धीरे धीरे, अब उनकी संख्या घट रही है, और ज़्यादातर मुक्तक काव्य के जितने भी कवि हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब लोग ज़्यादातर मुक्तक काव्य के कविताओं को ही लिख रहे हैं, यही बात बताने की कोशिश की है नामवर सिंह। बोल रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि एक प्रबंध काव्य के कवि थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे ना वो प्रबंध काव्य की कविताओं को लिखते थे, इनका प्रबंध काव्य ही आदर्श था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शिकायत थी कि अगर इसी तरह चलता रहा जनरेशन तो आगे चलकर प्रबंध काव्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। अब लोग ज़्यादातर जितने भी कवि हैं अब प्रबंध काव्य को लिखना पसंद ही नहीं करेंगे, आगे चलकर अब मुक्तक काव्य का विकास होगा। ज़्यादातर समाज में लोग जितने भी लोग रहते हैं वो मुक्तक काव्य को अब धीरे धीरे सुनना पसंद कर रहे हैं, तो अब जितने भी कवि हैं अब वो भी मुक्तक काव्य की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब प्रबंध काव्य धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। तो ये शिकायत थी किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। उसके बाद से आगे बताया गया है त्रिलोचन, त्रिलोचन जो ये गीत और प्रगीत लिखा करते थे। ठीक, नागार्जुन, ये भी प्रगीत लिखा करते थे, इनके बारे में नामवर सिंह बताए हैं कि ये बहुत अच्छे राइटर थे प्रगीत मुक्तक काव्य के। ठीक है, रामचरित मानस, ये भी मुक्तक काव्य के कवि थे। ठीक, और विद्यापति, विद्यापति को अगर हिंदी का पहला कवि माना जाए ना तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि हिंदी कविता का उदय
गीत से हुआ, क्योंकि विद्यापति ज़्यादातर गीत और प्रगीत ही लिखा करते थे। तो इस चैप्टर में नामवर सिंह यही बताने की कोशिश की है कि पहले जो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की कविताओं को लिखा जाता था ना, जितने भी कवि थे लिखते थे, वो वाकई में होता था। लेकिन अभी जो जेनरेशन चल पड़ा है मुक्तक काव्य या फिर प्रबंध काव्य की कविताओं को लिखने का, वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। ठीक है, अभी जो प्रगीत लिखा जा रहा है, इससे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि प्रगीतात्मकता का एक नया विकास हो रहा है। प्रगीतात्मकता को बोला जाता है लिरिसिज्म, यानी कि अब जो प्रगीत लिखने वाले जितने भी कवि हैं, अब नए जनरेशन के टाइप का प्रगीत लिख रहे हैं। अब उसमें रोमांटिक फीलिंग भी है, ठीक है, और यही है सबसे ज़्यादा समाज में प्रगीत को सुनने का और प्रगीत का ज़्यादा विकास होने का वजह, क्योंकि उसमें रोमांटिक फीलिंग भी है। प्रगीत जो लिखने वाला है, अब उसकी मन की फीलिंग रोमांस से रिलेटेड भी हो सकती है, सुख दुख से रिलेटेड भी हो सकती है, चिंता से, सक्सेस से रिलेटेड हो सकती है। तो जो भी वो मन फील करता है वो लिख देता है कविता के अंदाज में, और जब उसको गाया जाता है तो समाज में बहुत ज़्यादा चर्चा होता है, समाज के लोगों को पसंद आता है। तो ज़्यादातर लोग जो है ना, क्या कर रहे हैं, अब प्रगीत और मुक्तक काव्य को ही पसंद कर रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, प्रगीतात्मकता का नया उदय हो रहा है, नया विकास हो रहा है, जिसमें गीत को अब एक नए तरीके से लिखा जा रहा है। अब जो कवि आ गए हैं ना नए, वो प्रगीत को लिख रहे हैं, जो कि मतलब अभी के जेनरेशन के हिसाब से समाज के जितने भी लोग हैं उन प्रगीत को सुनना पसंद कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या हो रहा है, प्रगीतात्मकता का विकास हो रहा है धीरे धीरे। ठीक, तो वही इस चैप्टर में नामवर सिंह बताए हैं। और उसके बाद से नामवर सिंह इस चैप्टर में शमशेर जी की लिखी हुई, और कब की लिखी हुई, तो 1941 शमशेर जी की 1941 में लिखी हुई कविता को इस चैप्टर में लिख कर बताने की कोशिश किए हैं नामवर सिंह कि पहले की कविताएं वाकई में अर्थपूर्ण हुआ करती थी। ठीक है, और उसके बाद से सबसे लास्ट में नामवर सिंह इस चैप्टर के सबसे लास्ट में केदारनाथ सिंह और शरद बिल्लौर की कविताओं की 4-5 पंक्तियों को उठाकर लिखकर और वो अपनी बात को समझाने की कोशिश की, यही बात समझाने की कोशिश की है। ठीक, केदारनाथ की कविताएं की 4-5 पंक्ति उठा ली और लिख दिए हैं, फिर शरद बिल्लौर की कविताओं के 4-5 लाइन को उठाकर और लिख दिए हैं और अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हो जाता है आप लोगों का चैप्टर कम्प्लीट। आई थिंक आप लोगों को प्रगीत समझ में आ गया होगा और कविता का समाज पर और समाज का कविता पर किस तरह का प्रभाव और दबाव देखने को मिल रहा है, ये समझ में आ गया होगा। किस तरह का देखने को मिल रहा है, कविता का समाज पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है, कविता का जो दूसरा प्रकार है मुक्तक काव्य, उसको समाज के लोग ज़्यादातर सुनना पसंद कर रहे हैं। तो ये हो गया कविता का समाज पर प्रभाव, और समाज का कविता पर किस तरह का दबाव देखने को मिल रहा है। तो समाज के जितने भी लोग हैं ना, वो प्रबंध काव्य को अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लुप्त कर रहे हैं, मतलब सुनना छोड़ दे रहे हैं। अब धीरे धीरे प्रबंध काव्य लुप्त होते जा रहा है और मुक्तक काव्य को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये हो गया समाज का कविता पर दबाव। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बस आप लोगों को इस चैप्टर के जो राइटर हैं नामवर सिंह, इनके बारे में जानना बाकी है। और याद रखिएगा, ये प्रगीत और समाज ये निबंध है ना, आलोचनात्मक निबंध, तो ये निबंध लिया गया है नामवर सिंह की लिखी हुई एक आलोचनात्मक निबंध के किताब से, जिसका नाम है वाद विवाद और संवाद। वाद विवाद संवाद, ये एक आलोचनात्मक निबंध का किताब है। ये वाद विवाद संवाद क्या है, आलोचनात्मक निबंध का किताब है, पुस्तक है, और इसी पुस्तक इसी किताब में से ये निबंध लिया गया है, आप लोगों के बुक में दे दिया गया है पढ़ने के लिए। तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि प्रगीत और समाज किस पुस्तक से ली गई है, तो किस आलोचनात्मक निबंध के पुस्तक से ली गई है, तो उसका नाम है वाद विवाद और संवाद। तो चलिए, अभी नामवर सिंह के बारे में जानना बाकी है, इनके बारे में जितना भी डिटेल्स आप लोगों के बुक में दिया गया है वो हर एक चीज़ को मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। हो सकता है कि आप लोग नोट्स बना लें, हाथ से आप लोग खुद से लिख कर नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर जो मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा कर नोट्स निकलवा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह आप लोग को लिखने की झंझट नहीं रहेगी। ठीक, आप लोग डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रिंट करवा कर निकलवा ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो अब यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है नामवर सिंह के बारे में सारा डिटेल्स, जो कि आप लोग के बुक में दिया हुआ है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा नामवर सिंह का इमेज और इतना लंबा चौड़ा डिटेल्स जो कि आप लोगों के बुक में दिया है और जिसको हम लोगों को एक एक करके समझना है। तो चलिए फटाफट इनके बारे में सारा डिटेल्स समझ लेते हैं। नामवर सिंह, जिनका जन्म कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, याद रखना है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ,
तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के वाराणसी के जियनपुर में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जियनपुर में नामवर सिंह की पैदाइश हुई थी, जन्म हुआ था। और इनके माता जी का नाम था वागेश्वरी देवी और पिताजी का नाम था नागर सिंह। और इनके जो पिताजी थे ना नागर सिंह, वो एक शिक्षक थे यानी कि टीचर थे। अब बात कर लेते हैं नामवर सिंह की शिक्षा के बारे में कि ये कहाँ तक पढ़ाई किए और कहाँ कहाँ से पढ़ाई किए। ठीक, तो नामवर सिंह जिनकी प्राथमिक शिक्षा जो कि शुरुआती शिक्षा होती है ना, प्राथमिक शिक्षा, वो उत्तर प्रदेश के गांव से ही मिली थी, जिसका नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आवाज़ापुर एवं कमालपुर। ठीक, जहाँ से इनको प्राथमिक शिक्षा मिली। और ये हाई स्कूल में भी पढ़ाई किए थे ना, तो हाई स्कूल का भी नाम दिया गया है हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस। और ये इंटर किए थे नामवर सिंह, कहाँ से इंटर किए थे, तो उदय प्रताप कॉलेज बनारस से इंटर किए थे। और उसके बाद से BA और MA BHU से क्रमशः 1949 एवं 1951 में किए थे। ठीक, यानी कि नामवर सिंह जो है ना वो BA और MA BHU से किए थे। कब कब, तो वो किए थे BA 1949 में और MA 1951 में। और यहाँ तक कि नामवर सिंह PhD भी किए थे। देखिए PhD किए थे वहीं से BHU से, पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर 1956 में। PhD 1956 में किए थे, कौन से सब्जेक्ट कौन से विषय से, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। ठीक, BHU से किए थे। आगे बढ़ते हैं, इनकी वृत्ति की बात कर लेते हैं यानी कि ये कहाँ कहाँ जाकर काम किए थे ये हर एक चीज़। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मिनट, हाँ लिखा हुआ है कि 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता रहे थे। नामवर सिंह जो है ना वो 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता रहे थे यानी कि टेम्प्रोरी लेक्चरर के तौर पर काम किए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1953 ईस्वी में। ठीक, और उसके बाद से ये 1959 और 1959 से लेकर 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम किए थे। और 1960 से लेकर 65 तक बनारस में रहकर वो स्वतंत्र लेखन किए। और उसके बाद से जनयुग जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी दिल्ली में संपादक एवं राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे थे। ठीक, और 1967 से ये आलोचना त्रैमासिक का संपादन करने लगे। और 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गए। ठीक, 1970 में कहाँ चले गए ये, जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर ये प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे, इनको जॉब मिल गया। और आगे देखिए क्या लिखा है, 1974 में कुछ समय तक ये कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक भी रहे थे। और 1974 में ही ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। ठीक, 1974 में ही ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के तौर पर क्या हुए, नियुक्त हो गए, इनको जॉब मिल गई। और उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से 1987 में JNU से सेवामुक्त हुए। ठीक, इनको सेवामुक्ति प्राप्त हुई। और उसके बाद से क्या हुआ, अगले पाँच, एक मिनट रुक जाइए, पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पुनर्नियुक्त हो गए। मतलब 1987 में ये JNU से सेवामुक्ति इनको तो मिल गई, लेकिन फिर अगले 5 वर्षों के लिए, 5 साल के लिए ये क्या हो गए, फिर से वहाँ पर पुनर्नियुक्त हो गए यानी कि दोबारा नियुक्ति इनको मिल गई। ठीक, पुनः जो है ना दोबारा इसी JNU में काम करने लगे 5 सालों के लिए। और उसके बाद से 1993 से लेकर 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी ये रहे थे। और संप्रति इनकी लिखी हुई, इनकी संप्रति है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक। ठीक है, और सम्मान इनको मिला था, कौन से पुरस्कार इनको मिले थे सम्मान के तौर पर, तो 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये आप लोगों को याद रखना है, नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार क्यों मिला था, क्योंकि ये लिखे थे कविता के नए प्रतिमान जो कि ये क्या है, कहानी है। ठीक है,
इस कविता के नए प्रतिमान लिखने की वजह से इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ठीक, और कृतियाँ क्या क्या ये लिखे हैं तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि नामवर सिंह की कृतियाँ यानी कि क्रिएशन वो क्या क्या लिखे थे, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। बकलम खुद जो कि एक ललित निबंध है, बकलम खुद क्या है, एक ललित निबंध है जो कि नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता ही पूछता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये भी पूछ देता है कि नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार क्यों मिला, तो कविता के नए प्रतिमान लिखने की वजह से, ये साहित्य लिखने की वजह से इनको मिला था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, ये क्या है, कहानी, मतलब इतना जो है ना इनका आलोचनात्मक निबंध है। अब यहाँ से कहानी देखिए, कहानी भी लिखे थे, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद, ये इनका आलोचनात्मक निबंध है, याद रखना है, ये वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंध है, और इसी में का तो आप लोगों को पढ़ना है जो कि आप लोग अभी पढ़े, प्रगीत और समाज, इसी किताब से लिया गया प्रगीत और समाज नाम का निबंध। ठीक, और कहना ना होगा साक्षात्कारों का ये संग्रह है, कहना ना होगा। ठीक, आलोचक के मुख से ये क्या है, आलोचक के मुख से ये व्याख्यानों का संग्रह है। ठीक, और अनेक इनकी पुस्तकें जो है ना संपादित हुई, मतलब ये ढेर सारे पुस्तकें लिखे थे। तो फाइनली यहाँ पर होता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समाज पूर्ण रूप से कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक करें, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो उसके बाद से आप लोग को चारों तरफ शेयर कर देना है, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके, आप लोग के जितने भी रिश्तेदार हैं चारों तरफ शेयर मारिए फटाफट, और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।